स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मीन नेटवर्क। ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है, साइटोप्लाज्म में पैदा हुआ होता है। Endoplasmic reticulum is actually is a seed of channels. It is a seed of channels spread throughout cytoplasm. Endoplasmic reticulum सेट ऑफ चैनल्स होता है जो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुआ होता है। वन एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म का एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, जबकि दूसरा एंड अदर एंड इज अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन। दूसरा एंड सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। अगर हम एक सेल को लें, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिंबॉलिकली ER से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारा की सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसका एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरा एंड सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, यानी एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम SER से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो आपको टिब्यूल्स नजर आ रहे हैं इसको सिस्टर्मी कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्मी के साथ राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी सिस्टर्मी के साथ राइबोसोम होंगे। ये देखिए, ये राइबोसोम्स है। तो जिस राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स हो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ सिस्टर्मी होगा, यानी सिर्फ ये टिब्यूल्स होंगे, दे हैव नो राइबोसोम्स, इनके साथ राइबोसोम्स नहीं होगा और ये नियर सेल मेम्ब्रेन होंगे, सेल मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं। अब आते हैं राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
functions. रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी मुख्तलिफ जहरीले मवाद को डिटॉक्सिफाई करता है, खासकर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस को. दूसरा फंक्शन इनका ट्रांसपोर्ट है और तीसरा फंक्शन इंपल्स है, ये मैसेज न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स करता है. तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. शुक्रिया.